हर माँ बाप चाहते हैं कि उसका बेटा जिंदगी में कुछ अच्छा हासिल करे, एक अच्छा डॉक्टर बने, एक अच्छा इंजीनियर बने। बीटेक तो आजकल हर कोई कर लेता है, लेकिन आईआईटी से बीटेक करना और इंजीनियरिंग में एक अच्छी परसेंटेज लाना हर बच्चे के बस की बात नहीं होती है। आज हम आपको लेकर आए हैं जेनेसिस क्लासेस में, जो सेक्टर 6 में स्थित है। यहाँ पर जेई मेन का जो रिजल्ट आया है, उसमें बच्चों ने एक धुआंधार प्रदर्शन करते हुए बहुत अच्छे परसेंटाइल हासिल किए हैं। 11 बच्चे ऐसे हैं जिनके 99% से ऊपर मार्क्स आए हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके 95 से ऊपर आए हैं, और लगभग पूरी क्लास के 90% से ऊपर आए हैं। आप देख सकते हैं, ये वो तमाम बच्चे हैं और उनके जो टीचर हैं उन्हें मिठाई खिलाते हुए नज़र आए हैं, क्योंकि खुशी की बात होती है। कभी कोई पदक जीतता है, कभी कोई मार्क्स में अच्छे परसेंटाइल लाता है, तो जाहिर सी बात है मिठाई तो बनती है, और इसलिए ही मुंह मीठा करवाया जा रहा है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तमाम उन बच्चों से हम बात करेंगे जो अच्छे परसेंटाइल लेकर आए हैं। अब खास बात यह है कि ये तमाम बच्चे जिनके 99% से ऊपर मार्क्स आए हैं, वो जेईई एडवांस के लिए दे पाएंगे अपना एग्जाम, और अगर उसमें वो क्वालिफाई हो जाते हैं तो वो आईआईटी में अपना एडमिशन ले पाएंगे। मन चाहे ट्रेड में भी लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन इन बच्चों का एनआईटी और ट्रिपल आईटी में तो एडमिशन लगभग पक्का हो चुका है, क्योंकि बेस्ट देखा जाता है, क्योंकि इस बार 4 एग्जाम हो रहे हैं और उसमें बेस्ट देखा जाएगा कि किस बच्चे के हाइएस्ट परसेंटाइल आए हैं, वही जुड़ेंगे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तमाम बच्चों से बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, आपका नाम क्या है, कितने परसेंटाइल आए हैं और इसका श्रेय किसे जाता है? मेरा नाम आदित्य सिंह डवास है और मेरे परसेंटाइल 99.34 आए हैं अभी लास्ट अटेम्प्ट में, और इसका श्रेय टीचर्स को जाता है, मेरे पेरेंट्स को जाता है, और मेरे सारे पीयर ग्रुप को जाता है जिसके साथ मैं डिस्कस करता हूँ, अपने पेपर डिस्कस करता हूँ। बाकी यहाँ के टीचर्स काफ़ी सपोर्टिंग हैं, खासकर नवनीत सर, जितेंद्र सर, और उनके मतलब जैसे जो हमारी मैक्सिमम प्रिपरेशन होती थी वो हमारी क्लासेस के दौरान ही जाती थी। हम अपनी क्लासेस में जो नोट्स बनाते थे, हम जो क्लास अटेंड करते थे, अगर हम उसको ही अच्छे से कर लेते थे तो हमारी मैक्सिमम प्रिपरेशन उससे हो जाती थी। बाकी यहाँ के टेस्ट का लेवल काफ़ी अच्छा है, टेस्ट काफ़ी फ्रीक्वेंटली होते हैं, डिस्कस भी सारे हो जाते हैं, तो वो एक बड़ा रीज़न था यहाँ पे। तो जेईई एडवांस की तैयारी कैसी है आपकी? जेईई एडवांस की तैयारी अभी वैसे तो 2 मंथ्स हैं, मतलब एक बार को है तैयारी तो, बट हमें उसको और बेटर करना है और प्रैक्टिस करनी है और टेस्ट देने हैं। तो जेईई एडवांस की तैयारी भी यहाँ पर करवाई जाएगी तमाम बच्चों को। प्रॉब्लम्स जो होती है, जो परेशानी बच्चों को होती है कि ये सम कैसे होगा, स्पीड कैसी मेंटेन करनी है एग्ज़ाम देते वक्त, वो तमाम तैयारी, वो तमाम बातें यहाँ पर बारीकी से बताई जाती हैं। किस तरीके का एग्ज़ाम था, किस तरीके का रिज़ल्ट आया, कितने खुश हैं आप? मैं बहुत खुश हूँ। मेरा नाम गीतांजय है, मैंने 99.28 स्कोर किया है। मुझे सब ने बहुत हेल्प करी, चाहे वो टीचर्स हों, स्टाफ हो, फैकल्टी हो, पेरेंट्स हो, फ्रेंड्स हो, और मेरा डिस्कशन ग्रुप हो। हॉस्टल में जितेंद्र सर रात को बार बार आते थे, डाउट्स लेने हो किसी भी टाइम टीचर्स को फ़ोन कर लो। रात को 1 बजे तक भी मैंने टीचर्स को फ़ोन किया है, चाहे वो करण सर हो, जितेंद्र सर हो, विशाल सर हो, रविशंकर सर, नवनीत सर भी हो, किसी को फ़ोन कर लो, सब एकदम हेल्पिंग थे और फैकल्टी ने बहुत सपोर्ट किया। टेस्ट सीरीज, टाइम टू टाइम टेस्ट सीरीज हुई है, लॉकडाउन में भी ऑनलाइन टेस्ट हुए हैं, सब कुछ बहुत अच्छा था। थैंक यू करना चाहता हूँ। ये एक जुड़ाव होता है टीचर का बच्चे के साथ। बच्चा टीचर को अगर टीचर समझेगा तो फिर वो अपने मन की बात नहीं बता पाएगा, वो ये नहीं बता पाएगा कि उसे परेशानी कहाँ पर आ रहा है, वो हल्का फुल्का डरता हुआ नजर आएगा। लेकिन जब एक जुड़ाव अच्छा हो जाता है तो वो बेहतर तरीके से अपने टीचर से अपने सवाल उनके आगे रख पाता है, क्योंकि मानसिक दबाव जो होता है उसे भी दूर रखना पड़ता है। बेटा आपके कितने परसेंटाइल आए हैं और आगे की क्या तैयारी? माय नेम इज़ निशिता गुप्ता, मेरे 99.78% आए हैं जेईई मेंस में, एंड मैं बहुत खुश हूँ। मेरे सारे टीचर्स ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, सारे डाउट्स कवर किए, मेरा यहाँ पे आकर डिस्कशन ग्रुप बना है जिसमें मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, एंड आगे एडवांस के लिए भी ऐसी प्रिपरेशन चलती रही तो मैं अपने आपको बहुत आगे देखती हूँ, एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करती हूँ कि मेरा बहुत अच्छा IIT में एडमिशन हो इन टीचर्स के सपोर्ट के साथ। हर कोई चाहता है ये आगे बढ़ें और इन्हें बहुत शिखर पर हम भी देखना चाहेंगे, ताकि ये IIT के जरिए एडमिशन लें और उसके बाद एक अच्छे इंजीनियर बनकर हमारा नाम, हमारे शहर का नाम, हमारे ज़िले का नाम रोशन करें। बेटा आपका क्या रिज़ल्ट रहा और कितने खुश हैं आप उससे? हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ साक्षी एंड आई हैव स्कोर 99.3% इन माय जेईई मेंस अटेम्प्ट। For all this result, I just like to thank Jiten sir, Navneet sir and Girish sir, each and every teacher of the
of the institute has been very, very helpful. They have been always there for us to clear the doubts, even in the midnight and all that. Right now, what we are just looking forward is our JE advance attempt. It will be on 3rd October. And I just hope that it will be also like this only. अब सभी बच्चों का जो फोकस है वो जेईई एडवांस के टेस्ट पर है, उस एग्ज़ाम पर है, क्योंकि उसी के जरिए उन्हें चाबी मिल जाएगी, आईआईटी की चाबी मिल जाएगी। हमारे साथ उनके गुरु मौजूद हैं। जाहिर सी बात है, एक गुरु ही होता है जो बच्चों को एक अच्छी दिशा में लेकर जाता है। सर, किस तरीके से तैयारी करवाई जिसके बाद इतना अच्छा रिजल्ट आया और अब फोकस जेईई एडवांस पर? मेन तो जो ना टीचिंग तो है, टीचिंग के साथ साथ ना टेस्ट सीरीज, जो जिस बच्चे ने भी टेस्ट रेगुलर दिए हैं, चाहे उसके मार्क्स कितने भी आए, और उस टेस्ट को प्रॉपर एनालिसिस किया है, उसको डिस्कस किया है आपस में। जैसे हर बच्चे ने बोला है कि मेरा ग्रुप बहुत अच्छा बना है, हम ग्रुप में डिस्कस करते हैं, तो मैक्सिमम डाउट इनके ग्रुप में हो जाते हैं। अब जब कोरोना पीरियड था, जब लॉकडाउन था, तो बच्चों ने फ़ोन पर भी डिस्कस किए हैं। पर कुछ बच्चे ऐसे भी थे हमारे जो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ सकते थे, लेकिन उन्होंने फ़ोन का गलत यूज़ भी किया, पेरेंट्स को मालूम नहीं चला, गेम में लगे, तो उनका परसेंटाइल डाउन भी हुआ है। लेकिन हमने कोशिश की कि हमारे जो बच्चे हैं वो फ़ोन का सही यूज़ करें, और कुछ बच्चों ने तो जिनका परसेंटाइल जनवरी में 96-95 था, वो 99 से ऊपर लेके गए। उन्हें मालूम चला कि भी हमें फ़ोन का गलत यूटिलाइज नहीं करना है। जो भी ये फेसबुक और इस पर समय वेस्ट बच्चे करते हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि भाई इससे दूर रहो, आराम से। अभी हमारे पास जिनका परसेंटाइल कम आया है, वही बच्चे देख रहे होंगे, जेनेसिस के भी, कोई और भी, तो एक महीना हमारे पास है, जम के मेहनत करें, और एडवांस के लिए लगभग 1.5 महीना है, आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। बस मोबाइल का सही यूज़, क्योंकि इस समय लॉकडाउन में पेरेंट्स को भी मोबाइल देने पड़े। पहले हम लोग मोबाइल का यूज़ नहीं करने देते थे बच्चों को, लेकिन अब पेरेंट्स की मजबूरी थी। लेकिन कुछ बच्चों में काफ़ी बचपना होता है, वो क्या करते हैं, उसका गलत यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे परसेंटाइल भी डाउन होता है। लेकिन हमारी कोशिश रही, जैसे हॉस्टल में रेगुलर मेरा विजिट करना, और बच्चे भी हमारे सही हैं, वार्डन है, वार्डन पूरा ध्यान रखते हैं कि बच्चों को 1 या 2 घंटे ही मोबाइल देना है, ताकि वो अपने पूरा शेड्यूल देख सके। अदरवाइज़ बिना मोबाइल के ही बच्चों ने, हमारे हॉस्टल वालों ने तैयार किए, लगभग सारे बच्चों ने क्वालिफाई किया है। और क्या क्या प्रोसेस रहता है जेईई एडवांस का, कौन से बच्चे वो दे पाएंगे एग्ज़ाम, और उसमें क्या पोजीशन बच्चों की रहती है, कितने परसेंटाइल आते हैं, उस आधार पर उनका आईआईटी में एडमिशन होगा? लगभग जिसका भी 90% से ज़्यादा है, वो आईआईटी एडवांस के लिए एलिजिबल है, आईआईटी एडवांस दे सकता है, जेईई एडवांस दे सकता है। पर जिसकी परसेंटाइल जो है 95-96 से ज़्यादा है, इसका मतलब उसने बेटर तैयारी की है, तो उसकी चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है कि भाई जिसका परसेंटाइल 92 या 93 है, वो एडवांस क्वालिफाई नहीं कर सकता। अभी 1.5-2 महीना बचे हैं, जो जम के टेस्ट देगा, रिवीजन करेगा, 10-10, 12-12 घंटे पढ़ेगा, और टीचर्स के साथ डिस्कशन करेगा, आपस में डिस्कशन करेगा, वो क्वालिफाई कर सकता है इजीली। किस किस की तैयारी यहाँ पर करवाते हैं आप, और कितने बेहतर तरीके से करवाते हैं, ताकि जो बच्चे प्लस वन के अंदर हैं, टेंथ के अंदर हैं, वो अगर आगे आना चाहें जेनेसिस क्लासेस में, तो वो आ सकते हैं? वैसे तो हम लोग क्लास 9th से जेनेसिस चल रहा है, 9th, 10th, 11th, 12th, काफ़ी सारे बच्चे क्लास 9th में ही आ गए थे, तो जो 9th से तैयारी कर लेते हैं वो ज़्यादा बेटर अच्छी पोजिशन पर पहुँच जाते हैं। इस साल यहाँ पर 5 बच्चे NTSC में भी क्वालिफाई किए हैं, तो नीट, IIT, जेई मेन्स, जेई एडवांस और NTSC और ओलंपियाड, इन सब की तैयारी जेनेसिस में कराई जाती है, करनाल, कुरुक्षेत्र, ये 2 ब्रांचेज हैं दोनों में। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप नीट की तैयारी करना चाहते हैं, आप जेई मेन की तैयारी करना चाहते हैं, आप जेई एडवांस की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जगह मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगा, सेक्टर 6 करनाल के अंदर जेनेसिस क्लासेज, जो कुरुक्षेत्र में भी इनकी ब्रांच है। बहुत से बच्चे 9th से ही लग जाते हैं कि हमें और बेहतर करना है एग्ज़ाम के अंदर, अपनी पढ़ाई के अंदर, तो आपके पास बेहतर ऑप्शन है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कोविड का टाइम था और इतनी ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन थी, यहाँ पर हेल्थ को लेकर भी सब लोग फिक्रमंद थे कि हेल्थ का क्या होगा, और साथ ही साथ जो बच्चे हैं स्टूडेंट्स, उनको पढ़ाई को लेकर भी थोड़ा सा टेंशन थी, मेंटली एक प्रेशर था। लेकिन मेरे पीछे ये जो आप चेहरे देख रहे हैं, ये वो चेहरे हैं जिन्होंने इस सिचुएशन से हार नहीं मानी और अपने ऊपर ये मेंटली प्रेशर या हेल्थ का प्रेशर इतना ज़्यादा हावी नहीं होने दिया और इतनी अच्छे से पढ़ाई की। आज ये सब लोग JEE मेंस में 99.99% से ज़्यादा अबव
लेकर आए हैं। जी हाँ, इन्होंने कोविड की सिचुएशन को देखते हुए फिर भी इन्होंने मेहनत की और स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, चाहे टीचर्स के ऑनलाइन क्लासेस लगी, घर से डाउट्स भेजे, लेकिन इन लोगों ने हार नहीं मानी और सब ने 99 अबव परसेंटाइल सबको मिले हैं जेई मेन्स में। और अब ये सब बच्चे एलिजिबल हो चुके हैं जेई एडवांस का एग्ज़ाम देने के लिए, तो एक बहुत ही खुशी की बात है। आप लोग ये सब बच्चे देख रहे हैं, सबके चेहरे पर खुशी है, टीचर्स बहुत ज़्यादा खुश हैं। हमारे साथ यहाँ बच्चे मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं शबदप्रीत हैं जिनके 99.87 परसेंटाइल आए हैं, तो हम उनसे जानना चाहेंगे। हाय शबदप्रीत, तो आपके सबसे हाईएस्ट परसेंटाइल आए, तो कितने ज़्यादा खुश हैं और आप क्या कहना चाहते हैं बाकी स्टूडेंट्स से? मैं बहुत खुश हूँ, ये सारा श्रेय मैं टीचर्स को देता हूँ, अपने पेरेंट्स को, ग्रुप्स को, अपने जो फ्रेंड्स थे उनके साथ मैंने डिस्कशन करे, डाउट्स क्लियर करे, सब मैं उनको देना चाहता हूँ। और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जो IIT के लिए तैयारी कर रहे हैं, बस मेहनत करो, यही कहना चाहता हूँ, मेहनत का फल मिलता है हमेशा, सही सच बात है। तो शबदप्रीत का तो देख लो कहना है कि मेहनत करो, मेहनत से ही आपको फल मिलता है। तो और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। हाय, आपका क्या नाम है और आपके कितने परसेंटाइल आए हैं? मेरा नाम बंटी सैनी है एंड मेरे 99.5 परसेंटाइल आई है, और मैं अपने पेरेंट्स, अपने टीचर सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ, और हर वक्त मेरे साथ रहे जितेंद्र सर, और सारे मेंटरशिप भी बहुत अच्छी थी एंड बस। तो आगे का JEE एडवांस की क्या प्रिपरेशन है आपकी? प्रिपरेशन अभी भी अच्छी है एंड आगे 1.5 महीना भी है, अपनी पूरी मेहनत करनी है, अपना ट्राई बेस्ट करना है एंड बाकी। तो सभी स्टूडेंट्स अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं, अच्छे से उन्होंने मेहनत की है, तभी आज ये आप चेहरे अपने सामने देख रहे हैं जो 99 अबव परसेंटाइल लेकर आए हैं। तो और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि उनके कितने, हाय आपका क्या नाम है और कितने परसेंटेज और क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? My name is Ashima Anand and I have scored 99.08 percentile in my JEE mains attempt. I want to give all the credit to my parents and teachers who have been through with us throughout all the time of lows and have kept us motivated, and to all my friends, we almost discuss all our doubts together and looking forward to the JEE advanced examination. Hi, आपका क्या नाम है, आपके कितने percentile आए? मेरा नाम गगनदीप भारद्वाज है और मैंने 300 में से 195 मार्क्स स्कोर किए थे, और इस चीज़ का मैं सारा क्रेडिट जेनेसिस के टीचर्स को देना चाहूँगा, जितेंद्र सर, रविशंकर सर, नवनीत सर, मोनिका मैम, सब ने जब भी आप जाओगे आपको तभी वो डाउट देते हैं, मतलब अगर आप ना कोई ज़रूरी काम कर रहे हैं तो 10 मिनट आपके लिए अलग से निकाल के आपके डाउट क्लियर करेंगे। और सबसे मेन रोल उसके बाद आता है कि माता पिता का, क्योंकि ऑनलाइन के इस टाइम में जो सबसे ज़्यादा चीज़ देखने की थी वो माता पिता का था कि उन्होंने को कैसे मैनेज करेंगे वो, लेकिन उन्होंने ध्यान दिया, हमारे फ़ोन का ध्यान दिया कि हम ज़्यादा यूज़ ना करें, उन्होंने टाइम टेबल बनाया कि ये इसी टाइम फ़ोन पे, अगर इसके अलावा किसी भी टाइम वो फ़ोन पे होता है तो वो आके देख लेते हैं कि क्या कर रहा है, अगर कुछ भी खालतू जम तो डांट पड़ती है, लेकिन हमने भी पूरी कोशिश करी कि हम अपने आप पर कंट्रोल रखें, और हमने 2 साल फ़ोन पर कोई फालतू यूज़ नहीं किया, उसी के कारण आज इतना अच्छा स्कोर रहा है और यहाँ पर इतना अच्छा हम कर पाए हैं इतने बड़े मुकाम पे। तो यूजुअली डिस्ट्रैक्शन बहुत रहती है, हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं जब भी हम स्टडी करते हैं, तो वो क्या आपने कैसे हैंडल की? कि देखिए ये होता है कि ऑनलाइन जब ऑफलाइन होता था तब क्या होता था कि आप सेंटर पे होते थे तो सर आपको देख रहे हैं, सर बता रहे हैं, कुछ भी गलत काम या फिर फ़ोन यूज़ करते हैं तो सर डांट देते हैं, लेकिन ऑनलाइन के टाइम पर आपको काफ़ी ध्यान रखना होता अपना, और इस चीज़ का सबसे मेन चीज़ है कि आप फोकस रखो, अपना टाइम टेबल बना के रखो, आपको इतने बजे से इतने बजे ये करना है ये करना, अगर आपका और टारगेट रखो कि मुझे इतना काम पूरा करना ही करना है, अगर आपका ये काम अगर आप ध्यान रखोगे कि मुझे इतना काम पूरा करना ही करना है तो आपका आप देखोगे कि आप फ़ोन को फालतू यूज़ कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपका एक मोटिव सेट हो चुका है, अगर आपने ये नहीं किया तो आपको रात को गिल्ट फील होता है कि आज मैंने ये काम नहीं किया मुझे करना था, तो अगर आपका टारगेट पूरा करने की सोचोगे, चाहे आपका 90% ही पूरा हो, लेकिन वो एंड में आपको इतनी मेहनत करेगा कि आप एक चीज़ तो फ़ोन से फालतू चीज़ तो आप भूल ही चुके होंगे, आप सिर्फ टेस्ट दे रहे होंगे, सिर्फ फ़ोन में असाइनमेंट्स आ रही है वही कर रहे होंगे या फिर सर से डाउट ले रहे होंगे, और बस यही चीज़ का था कि, और लास्ट में जो भी थी कि ये डिस्ट्रैक्शन आपके बिल्कुल ध्यान आएगा ही नहीं और आपका सारा ध्यान पढ़ाइयों में और किताबों में ही होगा। तो स्टूडेंट्स का स्ट्रगल तो आप लोगों ने सुन लिया, स्टूडेंट्स का बहुत स्ट्रगल रहता है, लेकिन साथ ही साथ टीचर्स का वो एक बहुत स्ट्रगल रहता है, टीचर्स जो रात रात भर अपने स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं, बच्चे रात को भी डाउट्स भेज रहे हैं और तब भी क्लियर करते हैं, तो पेरेंट्स के बाद जो सबसे ज़्यादा खुश होते हैं बच्चों की इन कामयाबी पर वो टीचर्स ही होते हैं। तो हमारे साथ यहाँ टीचर भी मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। हेलो मैम, आप किस सब्जेक्ट की टीचर हैं और कैसा फील हो रहा है कि आपके इतने सारे बच्चे इतने ज़्यादा परसेंटाइल आए हैं, तो कैसा आपको लग रहा है? माई सेल्फ मनु वर्मा मैम, मैं मैथ्स डिपार्टमेंट से हूँ
एक्चुअली मैं हम लोग ये बच्चे जो हैं सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ के लिए कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं अपनी, ये उस पर काम कर रहे हैं, तो इनको ये चीज़ समझ है पहले से ही कि भाई हमें पढ़ना है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो समझदार नहीं भी हैं, वो यहाँ आकर समझदार हो जाते हैं जेनेसिस में, क्योंकि एनवायरनमेंट ऐसा है। दूसरा ये है कि पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तीसरा ये है कि सर हमारी जो टीम है यहाँ पर, वो सारी की सारी टीम में पर सब्जेक्ट जो हैं तीन तीन चार चार टीचर्स अवेलेबल हैं, तो किसी भी बच्चे के हमारा यही रहता है मेन पर्पस के डाउट्स जो हैं वो ना रह जाएं। और ये है कि बच्चे जो कंसिस्टेंसी रखते हैं, मेन जो है वो चीज़ है बच्चों के पास, कि वो जो बच्चे कंसिस्टेंसी रखते हैं वो क्लियर कर जाते हैं। और ज़्यादा बात यही हो सकती है कि हाँ, डाउट सेशन जो रहते हैं हमारे, जैसे ऑनलाइन के अंदर सर ने अलग से डाउट सेशन दिए बच्चों को, उसमें प्रॉपर क्लासेस लगी हैं, लाइक पेपर्स होते हैं तो उनके डिस्कशंस होते हैं, और सारे टीचर्स जो हैं वो सब मिलकर लगे हुए हैं, तो उसी का इफेक्ट है मैम, और बहुत अच्छा लग रहा है। और पेरेंट्स जो हैं वो पूरा कंट्रीब्यूट करते हैं, सर भी उनको पहले से गाइड कर देते हैं कि अगर आप कंट्रीब्यूट करेंगे तभी बच्चा आगे सक्सेस लेगा। सो मैम, जो बाकी स्टूडेंट्स जो सोच रहे हैं हमें भी आईआईटी जाना है, जेईई मेंस क्लियर एडवांस क्लियर करके किसी अच्छे कॉलेज में आईआईटी में एनआईटी में जाना है, तो उन स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहती हैं? एक्चुअली मैम देखिए, मेन चीज़ होती है प्री फाउंडेशन से ही शुरू हो जाता है। लाइक अगर प्लस वन में बच्चा आता है उसे मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन अगर बच्चे 9-10 से ये मोटिव बनाकर चलें कि ठीक है उन्हें करना है, तो 9-10 से ही यहाँ तैयारी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर जो लोग बच्चे 11-12 में पहले से जो यहाँ फर्स्ट टाइम करते हैं, वो 9-10 में वो पढ़ चुके होते हैं ऑलरेडी, तो वो कम्फर्टेबल हो जाते हैं फिर प्लस वन प्लस टू के लिए। और उसमें यही होता है कि मैक्सिमम एग्जाम्स देते रहें, उसको क्लियर करते रहें अपने कंसेप्ट को, तो जितने क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन पर टॉपिक होते जाएंगे वो उतना क्लियर होता जाएगा। तो वो तभी पॉसिबल है अगर वो 9-10 से एक सोच बना रहे हैं कि भाई करना है। तो मतलब जेनेसिस में बेस क्लियर किया जाता है, सभी स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाते हैं। हाँ, वो फाउंडेशन में ही हो जाता है, 9-10 में ही बेसिक्स बता दिए जाते हैं, और 11-12 में तो फिर इनको हायर लेवल पे लिया जाता है। तो सुनिए, आपने एक स्ट्रगल स्टोरी जो टीचर्स की भी रहती है, स्टूडेंट्स की भी रहती है, और ये सब चेहरे आप लोग सामने देख रहे हैं, ये सब बहुत ही अच्छे परसेंटाइल से इन सब बच्चों ने क्लियर किया है। ये चेहरे जो खुशी दिख रही है, और ये खुशी मेहनत से दिखी है, इन लोगों ने इतनी मेहनत की है अपने घर पर रहकर, कोविड के टाइम पर जो सिचुएशन थी उसको अपने ऊपर इतना हावी नहीं होने दिया, पेरेंट्स ने साथ दिया, इन लोगों ने खुद को डिस्ट्रैक्शन से भी दूर रखा, चाहे मोबाइल फ़ोन हो या कुछ भी डिस्ट्रैक्शन होती है, खुद को फोकस रखा एक चीज़ पर बेसिकली, तो तभी ये आज आप लोगों को चेहरे आपके सामने देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चे जेई मेंस क्लियर कर चुके हैं, अब ये लोग एलिजिबल हो चुके हैं जेई एडवांस के लिए, इसके बाद ये लोग आईआईटी एनआईटी में बच्चे जा सकते हैं। बहुत अच्छा देखा, बहुत अच्छा टीचर्स यहाँ पर पढ़ाते हैं, डाउट्स बहुत ही, रात को भी अगर स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है तो रात को भी क्लियर किए जाते हैं, हर टाइम क्लियर किए जाते हैं। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और सबसे ज़्यादा आप अगर कुछ भी अपना काम करना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, तो सबसे इंपॉर्टेंट है फोकस एंड डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा दूर रहिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।